इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट आया है। देश के सभी हिस्सों पर फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। हमने कुछ एक वीडियो देखी भी है। 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में एंट्री की थी और तालिबान की सत्ता को खत्म किया था। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। तालिबान ने सुरक्षा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है और इन इलाकों में टैक्स तक वसूलना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये तालिबान कौन लोग हैं और इनका इतना खौफ क्यों है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजीज जनता ने तालिबान में अपना मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन भी माना गया, लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू किया। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ का नाम बनकर उभरा है। 20 साल बाद प्रभाव में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया और न मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू किया। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारने जैसे नजारे सड़कों पर आम हो गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढक कर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो COVID-19 गाइडलाइंस।